तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अपना छतरी उतार लिया हूँ नीचे, सोलिड का प्राइम फोकस 6 फीट डी सेंटीना मैं नीचे उतार लिया हूँ और मैं इसे मॉडिफाई करने वाला हूँ, यानी कि इसे और बड़ा करने वाला हूँ, 6 फीट से 8 फीट बनाने वाला हूँ। और यह देखने के लिए कि इस पर KU और सी बैंड दोनों काम करता है, लेकिन हमें इस पर KU का सिग्नल और बढ़ाना है, इसके लिए मैं इसे चद्दर और लगा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि चद्दर जो मैं कबाड़ में से लेकर के आ गया हूँ, नया लाने गया था, लेकिन शादी विवाह की वजह से, दुकान जो है बंद होने की वजह से, अब 20 किलोमीटर जाने के वजह से जो है अब तो लेकर के आना ही पड़ेगा। तो मैं कबाड़ में से लेकर के आया, लेकिन उसको सीधा कर लिया हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर है लेकिन फिर भी सीधा कर लिया हूँ दोस्तों। और इसे सीधा करके और फिर अच्छी तरह से ही लगाऊँगा। अभी अभी जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डैमेज, अभी थोड़ा बहुत अभी कमी है, इसको और अच्छी तरह से इसे मिला रहा हूँ। मिलाने के बाद इसको बढ़िया से कटिंग किया जाएगा और बिल्कुल सीधा किया जाएगा, इसको ज़रा भी इधर उधर नहीं रहेगा दोस्तों। देखने में भले ही थोड़ा बहुत कैमरे में आ जाए, लेकिन बिल्कुल सीधा रहेगा। आप वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि कैसा ये डिश बनता है। और दोस्तों, मैं ऊपर इसको लगाऊंगा, लगाने वाला था साइड में किनारे से, बिल्कुल ये जो किनारी मोड़ा हुआ है ना, ये किनारी, ये यहाँ से मैं लगाने वाला था, लेकिन यहाँ लगाने से जो है मजबूती नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ लगाने से हमें राड लगाना पड़ेगा चारों तरफ, इसलिए मैं राड ना लगा करके इसके ऊपर कस रहा हूँ। तो इसमें पंगा ये पड़ रहा है कि जो सोलिड का डिश है वो किनारे पर, बॉर्डर पर एक सूत उठा हुआ है चारों तरफ से, मुड़ा हुआ है मशीन से। तो ये उठने की वजह से जब हम इसके ऊपर चद्दर लगाएंगे तो हल्का सा जरूर उठ जाएगा, यानी कि गहराई वाली डिश है, 11.5 इंच गहरा है, और उसके ऊपर जब हम चद्दर लगाएंगे तो तीन इंच और उठ रहा है, यानी कि 12.6-18 इंची, ये समझ लीजिए कि 17.5-18 इंची, यानी 17.5 इंची गहराई वाली ये डिश बनने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ तो कवरेज है नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मुझे इस पर भी ट्राई लेना है कि कामयाब होता है कि नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का अगर सिग्नल बढ़े तो बढ़े, नहीं तो कामयाब होने की चांस बहुत कम है। तो दोस्तों, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसा बनता है। ये देख लीजिए, अब इसे सुराख करके और लगा दिए हैं, कस दिए हैं, और किनारा ये जो किनारी है ये मोड़ना है, डबल मोड़ना है, एक बार थोड़ा थोड़ा मोड़ना है दो सूत, और उसके बाद फिर 1 इंच इसे बॉर्डर बनाना है, किनारे मोड़ना है, ताकि मुझे यहाँ पे कोई पाइप का गोल रिंग नहीं लगाना है, इसी से काम चलाना है। बाद में चाहें तो हम लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसी से काम चलाना है। तो हम लगा लिए हैं, यह देख लीजिए, अभी किनारा और अभी कसना है, ये उठा हुआ है और अभी बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है, और फिनिशिंग हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये KU बैंड पर अगर ये जितना पकड़ता है पहले, वो तो उतना ही पकड़ेगा, अगर बढ़ेगा नहीं तो उतना ही पकड़ेगा, लेकिन सी बैंड का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से। क्योंकि जैसे अपन कोई 5 फीट या 6 फीट पर सी बैंड का कोई सेटेलाइट हम ट्रैक करते हैं, तो कोई कोई चैनल जो है ना खिचपिच करने लगता है, कोई कोई चैनल खिचपिच करता है, और जितना चैनल आइए तो चाहिए वो थोड़ा बहुत कम ही रह जाता है। तो इसको लगाने से जब ये हमारा 8 फीट का हो जाएगा तो ऐसा शिकायत नहीं रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्ती समझ लीजिए कि काम करने वाला है। लेकिन करने वाला है कि नहीं है, पहले अब इसे हम देख लेते हैं बना लेने के बाद। तो दोस्तों, ये किनारा एक परत मोड़ गया है, यानी 2 सूत मैंने मोड़ दिया है बॉर्डर। अब इसके बाद फिर मैं 1 इंच और मोड़ूंगा, जैसे कि DD-3D का ये जो छोटा वाला 2 फीट का रहता है ना एंटीना, किनारे मुड़ा हुआ रहता है, और सोलिड का इसमें भी मुड़ा हुआ था, वैसे ही इसको भी मोड़ूंगा ताकि बॉर्डर मजबूती आए, मजबूत होना चाहिए। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये देख लीजिए अब कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा दोस्तों आप लोगों को कि कैसा हमारा एंटीना बना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।